राम की नगरी अयोध्या में 15 फरवरी 1935 को पैदा हुए बशीर बद्र ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। उन्होंने 7 बरस की उम्र से ही शेर व शायरी करना शुरू कर दिया था। माना जाता है कि बशीर बद्र वो शायर हैं जिसने कामयाबी की बुलंदियों को फतेह कर बहुत लंबी दूरी तक लोगों के दिलों की धड़कनों की आवाज शायरी में उतार दी। शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में, अजब माँ हूँ कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। बशीर साहब को आम आदमी के शायर के रूप में जाना जाता है। जिंदगी की आम बातों को बेहद ही खूबसूरत और सलीके से अपनी गजलों में कह जाना बशीर बद्र साहब की खासियत रही है। आम लोगों के एहसास को बशीर बद्र ने अपनी नज्म में जगह दी। ये सितारा बेजबां है, ये चराग बेनजर है, ये सितारा बेजबां है, अभी तुझसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है। बशीर साहब सिर्फ मुशायरे में नज्म ही नहीं पढ़ते बल्कि राजनीतिक मामलों पर कमेंट करने से भी नहीं चूकते। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं वो हाथ के जिसने कोई जेवर नहीं देखा। बशीर साहब का लिखा शेर कभी प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में विरोधियों को चुप कराने के लिए पढ़ते हैं तो कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने के लिए ट्वीट करते हैं। जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। आसान भाषा में गंभीर बात कहने वाले बशीर साहब को 1999 में पद्मश्री और उर्दू के साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी कविताएं और शेर अंग्रेजी और फ्रेंच सहित कई भाषाओं में अनुवादित हो चुके हैं। बशीर साहब ने कई फिल्मों के लिए गाने भी लिखे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।